नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास नाइन्थ के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है क्लास नाइन्थ के मैथ की एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 31 से 34 है और चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स और बुक का नाम है RS अग्रवाल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन में दिया गया कि फैक्टराइज मतलब हम लोग को जो है इन सबको फैक्टराइज करना है। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन में गिवेन है उसको पहले लिख लेंगे, मतलब 31 नंबर क्वेश्चन में जो गिवेन है उसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो गया यहाँ पर ए एक्स क्यूब, ए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए। यहाँ देखिए, अब चलिए इसको जो है एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस ए लिख लेते हैं प्लस एक्स लिख लेते हैं। अब देखिए, इससे फायदा ये हुआ कि जब हम लोग इन दोनों में से ए एक्स स्क्वायर को मान लेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा ए रहेगा अब प्लस यहाँ रहेगा एक्स, और इन दोनों में से जो है जब प्लस 1 को मान लेंगे तो क्या रहेगा, तो ए प्लस एक्स। अब देखिए ए प्लस एक्स दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा इंटू क्या लिखेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसी को जो है आप लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में जो गिवन है इसके ऊपर लिख लेंगे। तो आप लिखेंगे वी हैव ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो होगा यहाँ पर ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए बी क्या होगा, ए बी प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पर भी जो है मल्टीप्लाई कर लिया है। अब चलिए इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं तो यहाँ पर होगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर, और इसको एक साथ कर लेते हैं तो होगा यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं तो एक्स बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि इधर जो है पहले बी है। अब देखिए इन दोनों में से क्या करते हैं, तो ए एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स जब कॉमन लेंगे दोनों में से तो यहाँ पर रहेगा, यहाँ देखिए बी एक्स रहेगा क्योंकि इसमें से ए एक्स कॉमन निकाल लिए हैं प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, तो केवल ए रहेगा क्योंकि इसमें से हम ए एक्स कॉमन ले लिए हैं। अब देखिए इन दोनों में से क्या करेंगे, तो बी कॉमन ले लेंगे केवल बी, तो प्लस बी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रहेगा बी एक्स प्लस ए। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बी एक्स प्लस ए, तो ये जो है कॉमन में आ जाएगा इंटू ए एक्स प्लस बी। ये जब कॉमन आ जाएगा तो बी एक्स प्लस ए यहाँ लिख लेंगे और ए एक्स प्लस बी यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे वही है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ देखिए इसमें क्या करते हैं, तो पहले इसको गुणा कर लेते हैं तो होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस और एक्स दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस ए बी। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या करते हैं, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा एक्स माइनस ए, और इन दोनों में से क्या करते हैं, तो माइनस बी कॉमन ले लेते हैं तो क्या रहेगा, तो देखिए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, और ये x माइनस ए जो है दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा इंटू लिखेंगे यहाँ पर x माइनस बी, और ये जो है अपना आंसर आ गया, मतलब ये जो है इसका फैक्टराइजेशन आ गया। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 34 लिखिए जो गिवेन है इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 एक्स प्लस 3 बाय एक्स। अब यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स, और ये माइनस 3 एक्स प्लस 3 बाय एक्स। अब देखिए इससे बेनिफिट यहाँ पर क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि ये जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ गया, ये जो है इतना पार्ट जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसी के साथ जो है
जब इन दोनों में से जो है माइनस तीन कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, तो x माइनस वन बाय एक्स। ये तीन जो है ऊपर में है तो जब माइनस तीन कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पर x, और ये प्लस से माइनस वन बाय एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो x माइनस वन बाय एक्स का स्क्वायर है और इधर जो है x माइनस वन बाय एक्स है, तो x माइनस वन बाय एक्स तो कॉमन आ ही जाएगा और क्या रहेगा, तो ये देखिए x माइनस वन बाय एक्स माइनस थ्री, और ये जो है किसका फ्रैक्शन आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री बाय एक्स का, और ये जो है अपना आंसर आ गया।